याचा मला समाधान आहे। खरं म्हणजे मुंबादेवी सारख्या मतदारसंघामध्ये लढायला देखील हिंमत लागते, धाडस लागतं आणि ते धाडस आपल्या शायना यांनी आज दाखवलंय। त्यामुळे मी शायना ताईला मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचं खूप खूप त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आता लाडक्या बहिणींचा जमाना आहे ना, लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे आले की नाही, आणि आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो आणि ज्यांच्या खात्यात पैसे आले ना ते येतील पैसे, कोणी वंचित राहणार नाही। आणि म्हणून आता अनेक लोक वेगवेगळ्या योजना काढतील, परंतु जी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली त्या योजनेला बंद करण्यासाठी जे लोक कोर्टात गेले त्यांना तुम्ही लाभ विचारणार ना। आणि ज्या लोकांनी योजनेत खोडा घातला त्यांना काय करणार। मैं मना होतो कि लाडकी बहीण योजना घोषणा के लिए 2100 रुपया काल अपनी घोषणा होते कुछ योजना जी सुधा तुम्हें विश्वास करना, कारण सरकार नहीं योजना कम देना योजना इंक्वायरी लावणार, जे लोक दोषी अधिकारी आहेत त्यांना जेल मध्ये टाकणार, बोले ज्यांनी ही योजना चालू केली त्यांना जेल मध्ये टाकणार, जेल मध्ये जाऊ देणार। आणि जरी माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी जेल मध्ये जावं लागलं तर एकदा नाही 10 वेळा एकनाथ शिंदे जायला तयार। लाडक्या बहिणीचं सगळ्या एकनाथ शिंदे बरोबर आहे, त्यांच्या सरकार बरोबर आहे, आपलं काय होणार। आणि म्हणून त्यांचा पराभव त्यांना दिसू लागलाय, म्हणून ज्यांनी विरोध केला जे कोर्टात गेले त्यांना जाब विचारण्याची संधी तुमच्या हातात आलेली आहे। 20 तारखेला तुम्ही हे विचारा का गेले लाडक्या बहिणींच्या विरोधात कोर्टात, का तुम्ही लाडकी बहीण बंद करायला गेले। म्हणाले आम्ही लाडकी बहीण आल्या आल्या बंद करू, म्हणाले यांच्याकडे पैसे नाही, आता पैसे नाही तर आमच्याकडे, मग तुम्ही कशी काय घोषणा करू शकता, तुमच्याकडे कुठून येणार। कारण मला विश्वास आहे संपूर्ण राज्यभर लाडक्या बहिणीची योजना आहे। लाडके भाऊ जे डिप्लोमा 12वी डिग्री केले त्यांना 6,000, 8,000, 10,000 रुपये आपण निर्णय घेतला आणि 25 लाख रोजगार देण्याचा आपण निर्णय घेतला। 10 लाख लोकांना 10 लाख एका वर्षात प्रशिक्षण भत्ता स्टायफंड देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे। हा ऐतिहासिक निर्णय आहे। काल आपण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली। आज या ठिकाणी तुम्हाला लाईटचं बिल जास्ती येतं कमी येतं ना, त्याच्यावर आम्ही 30% कपात करण्यात आलेली आहे। अशा योजना आपण 10 कलमी कार्यक्रम आपण काल जाहीर केला। आपल्या राज्यात कुणी उपाशी झोपणार नाही हा पण निर्णय आपण घेतला। अन्न वस्त्र निवारा देण्याचाही निर्णय आपण घेतलेला। हे सरकार गोरगरिबांचं आहे, सर्वसामान्यांचं आहे, माझ्या माता भगिनींचं आहे, आणि विरोधक माझ्या माता भगिनींचा अपमान करतात तो तुम्ही सहन करणार नाही। आणि म्हणून या ठिकाणी एवढंच सांगतो, जे लोक माता भगिनींचा अपमान करतात, माझ्या मुलीबाईंचा अपमान करतात, बाळासाहेब असते तर काय केलं असतं, उलटा टांगून तुम्हाला 20 तारखेला करायचं मतदानाच्या पेटी बाहेर शायना ताईच्या मागे उभा राहणार तुम्ही सगळे तिने एकदम बघा जादू झाल्याशिवाय राहणार नाही। एक चमत्कार होईल या मुंबादेवीच्या आशीर्वादाने शायना ताई निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही। अभी आप क्या है ये जो योजना जो है ये सब लोगों के लिए हमने की हुई है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई, सभी लोगों के लिए कोई दूजा भाव नहीं किया है। इसको देना है उसको बंद करना हमने नहीं किया है। और जो लोग सिर्फ वापरो और फेंको करने वाले लोगों को आपको सबक सिखाने का मौका आया है। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि लाडली बहन योजना इतनी सुपर हिट हो गई है इसलिए अभी डर गए हम लोग। अभी नई नई योजना जिन्होंने विरोध किया जो कोर्ट में गए वो अभी नई योजना ला रहे, लेकिन लोगों को मालूम है कि ये सरकार उनमें नहीं आने वाले हैं। जो सरकार में है वही योजना को आगे बढ़ा रहे। और मैंने कहा था 1,500 का 2000, 2000 का 2,500, 3,000, अभी 2100 को कल मैं घोषणा कर दी है। सभी लोगों को इतना ही कहूँगा कि शायना के पिताजी इस मुंबई के शरीफ मेयर रह चुके हैं और उनकी बेटी कौन सा आपका एनजीओ है आई लव मुंबई, मुंबई माझी लाडकी, आता मुंबादेवी माझी लाडकी मुंबादेवी आणि क्लीन मुंबई ग्रीन मुंबई असं एनजीओच्या माध्यमातून देखील शायना यांची काम करतात। आणि म्हणून एक धडाडीची बहीण म्हणून तिला तुम्ही सगळ्यांनी निवडून द्यायचं आहे। लाडके भाऊ कुठे आहे? आपण पण बहिणीच्या मागे उभं राहणार ना सगळे। आणि मी स्वतः तुमच्या या मुंबादेवीला विकासाला पैसे कमी पडू देणार नाही। मुंबादेवी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल पैसे कम नहीं पड़ेंगे, ये वादा मैं करने आया हूँ। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसलिए इतना ही कहूँगा 20 तारीख को धनुष्यबाण के सामने का बटन अपने को दबाना है। और तुमसे मनापासून स्वागत तुम्हें देखील आणि एक सगळे वातावरण जे मुंबादेवी विधानसभेचं बदलून गेलेलं आहे की आणि याचा फायदा लोकांना झाला पाहिजे। 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने क्या किया उसका हिसाब दो। हम हमारा हिसाब देने को तैयार हैं और दोहरे दो दूध का दूध पानी का पानी। सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए महाविकास आघाड़ी ने, सभी रोड बंद, कोस्टल रोड बंद। समय बचता है अटल सेतु देखो इतना समय बचता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा हमारा एजेंडा एक ही है डेवलपमेंट। इसमें और यहाँ एक तरफ विकास दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना। ये लोग कहते हैं ऐसे क्या फुकट में क्यों दे रहे पैसे, ये रेवड़िया बांटने का बंद करो। हम लोग देखो ये गरीब हमारी बहनें हैं, गरीब भाई हैं, गरीब किसान हैं, गरीब जो सीनियर सिटीजन हैं, जो आम आदमी है। आपका मुख्यमंत्री भी आम आदमी है, सीएम में कॉमन मैन समझता हूँ मैं। और इसलिए कॉमन मैन को मुझे सुपरमैन बनाना है। सरकार काय के लिए होती है? क्या खुद के घर भरने के लिए होती है? दूसरों के घर भरने के लिए होती है, दूसरों को मदद करने के लिए होती है। और इसलिए सरकार जो है आम लोगों की है, एक सभी लोगों की सरकार है। इसलिए घर में बैठ के कोई काम होता है? फेसबुक लाइव करके काम होता है क्या? उसको फेस टू फेस काम करना पड़ता है, सबको मिलना पड़ता है, सबके दुख दर्द को समझना पड़ता है, तब जाके उसको हम न्याय दे सकते हैं। और इसलिए आप सभी लोगों, सभी जाति पाति के लोग यहाँ पर हैं, सभी लोगों को इतना ही मैं कहूँगा, मुंबादेवी का अगर विकास चाहते हो तो शायना एनसी को ही विजयी बनाइए। और मैं वादा करता हूँ डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं होगा वो नहीं बोलते हैं। और इसलिए ये सरकार सिर्फ 2 साल में लोगों के लिए एक अपनेपन की सरकार हो गई। आपले सरकार लाडका सरकार, जसं तुम्ही सगळे लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके कामगार सगळं सगळं झालं आहे, तसंच एक परिवर्तन आलेलं आहे, पूरे राज्य में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट वाली सरकार है, घर में बैठने वाली सरकार नहीं है। और इसीलिए मैं 20 तारीख को इतना ही कहूँगा कि 20 तारीख को आने वाली अपना चुनाव चिन्ह क्या है? धनुष्यबाण। सरकार का धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण पर मोहर लगा, बटन दबाकर शायना जी को विजयी बनाइए। और 23 तारीख को हमको क्या करना है? और कामाटीपुरा, कुंभारवाड़ा डेवलपमेंट, उमरखाड़ी रीडेवलपमेंट का शेयर हम लोग निकाला है। और आपको इतना ही नहीं, अच्छा वो याद किया, ये मुंबई के जितने भी प्रकल्प है जो डेवलपर ने अभी तक नहीं किए, वो सब प्रकल्प MMRDA, BMC, सिडको, MSRDC, माड़ा, SRA, ये सभी गवर्नमेंट की एजेंसी टेक ओवर करेगी और सबको भाड़ा भी देगी और रीडेवलपमेंट भी करेगी।